उन घोड़ों को गोली मार दी जाती है जो ठीक से दौड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे राज्य की राजनीति में रामा पाटिल जैसे लंगड़े घोड़े सबसे आगे, और कोई कुछ नहीं कहता। रामा पाटिल के भ्रष्टाचार का बरगद सारे राज्य में पूरी तरह अपनी जड़ें फैला चुका है और सब चुप हैं। क्यों? इसलिए कि हम आवाज उठाना नहीं जानते। इसलिए कि हम भूल चुके हैं कि अत्याचार को सहन करना भी कायरता है। लेकिन यह सिलसिला अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेरी पार्टी ने फैसला किया है कि अगले इलेक्शन में रामा पाटिल और उसके भ्रष्ट साथियों को पूरी तरह जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। शराब बोलता तो ऐसे है जैसे गंगा ना आकर आया हो। रामा पाटिल से बड़ा बदमाश तो नहीं हो सकता। सभी एक जैसे होते हैं रवि। तुम शरीफ आदमी हो, सिर्फ सच्ची बातें लिखते हो, पर क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे देवता समान नेता श्री महेंद्र सिंह जी का असली रूप क्या है? क्या है? पहले वो ऊटी में था, वहां किसी लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया था। जब बात पड़ी तो मामला दबाने के लिए लड़की का गला ही दबा दिया। अगर ये सच है तो किसी ने इसके बारे में लिखा क्यों नहीं? इसलिए कि लोग महेंद्र सिंह को देवता मानते हैं, और जो नहीं मानते वो डरते हैं उससे। इंक्वायरी कैसे होगी? आप भी डरते हैं उससे? हाँ, मैं डरता नहीं हूं उससे, मगर तुम्हें तो मेरे उसूल मालूम है। जब तक पूरी स्टोरी मालूम ना हो मैं कभी नहीं छापता। अगर आप सच कह रहे हैं तो महेंद्र सिंह जैसे आदमी को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अगर तुम कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली कवर स्टोरी यही होगी। यस रवि। ग्लोरिया, मैं कल ऊटी जाना चाहता हूँ। ऊटी? मैं भी चलती हूँ, अकेले बोर हो जाओगे। मैं वहाँ जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाना। अरे मेरे पास बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ है यार। Shut up, Gloria. Just get me the ticket. Yes, boss. रवि दरवाजा खोलो। रवि, रवि क्या हुआ? ग्लोरिया दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? टेक इट इजी। क्या कहा तुमने? टेक इट इजी? पिछले आधे घंटे से दरवाजा पीट पीट के मेरे हाथ टूट गए और तुम कहते हो टेक इट इजी? न जाने इतनी देर में क्या क्या सोचा था मैंने। सुना नहीं तुमने? क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया था मुझे? स्टोरी टाइप कर रहा था, थक गया था, थोड़ी सी पीली। क्या टाइम क्या हुआ? सुबह के 4:25 हुए हैं और 5:30 की फ्लाइट पकड़नी है तुम्हें। मिस्टर राय हमारे बॉस और इस एस्टेब्लिशमेंट के मालिक ठीक 4:30 बिल्डिंग के नीचे मिलेंगे और तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएंगे। अब जल्दी करो, तुम्हारी जरूरत की हर चीज बैग में लेकर आई हूँ। गर्म कपड़े, टेप रिकॉर्डर, कैमरा। ओहो, अब चलने की तैयारी करो, 3:25 में बॉस पहुँचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट चला जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कामयाब जरूर होऊंगा। तुम जरूर कामयाब होगे रवि, महेंद्र सिंह के अतीत की तलाश में। रवि तुम इस मिशन की अहमियत को नहीं जानते। अगर कामयाब हो गए तो एक और मसीहा को बेनकाब करोगे। हिंदुस्तान के महान पत्रकार रवि सोनी साहब, भाई हमें तो हमेशा शैतान बनाकर ही पेश किया है आपने। एक बात पूछे भैया। यस सर। ये सारी रुस्वाइयां, ये सारी तकलीफें हमारी तकदीर में क्यों हैं? सर तकलीफ आपको मैं नहीं पहुंचाता, आपको तकलीफ होती है सच से, और सच की तरफदारी मैं करता हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे विरोध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पत्रकार। और एक बात बताएं, सच वही नहीं होता जो तुम लिखते हो, और बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम जानते ही नहीं। जो मैं जानता नहीं वो मैं लिखता नहीं, लेकिन जानकर ना लिखूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके ये महेंद्र सिंह जी, इनके बारे में भी कभी 2-4 शब्द लिख दिया करो। हर सफेद पोश के गुजरे हुए कल में कुछ ना कुछ काला जरूर होता है। अगर इनके बारे में कुछ मिला तो लिख पाओगे? हा? मुझे नहीं लगता कि लिख पाओगे। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलते हैं। फ्लाइट का टाइम हो रहा है रवि। That's right, sir.
और कितनी देर है होटल पहुंचने में? बस दो मिनट साहब, दो मिनट। अरे यार पिछले दो घंटे से दो मिनट कहे जा रहे हो, होटल आई नहीं रहा। अरे शुक्र करो साहब, अपन 15 मिनट नहीं बोला, वरना आपका परेशानी भी 2 मिनट की बजाय 15 मिनट की तरह लंबा हो जाता। अरे भालू यहाँ कैसे आ गया? भालू ने तो आपको नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब। हेलो साहब, आपका होटल आ गया। अब आप नाद हो के चैन से आराम कीजिए, और कल सुबह फिर मैं और आप दोनों रोजू की तलाश में सड़क पे। ये लो। क्या कहा आपने? कमरा नहीं है? आप समझे नहीं कि आपकी बुकिंग है मगर कमरा नहीं है। आपका कुछ भी मतलब हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास मेरे लिए कमरा नहीं है, जबकि आपके बॉम्बे ऑफिस ने मुझे कंफर्मेशन दिया है। आप समझे नहीं, मुझे कहां इससे इनकार है कि आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं है, है मगर कमरा नहीं है। ओ, बुकिंग कंफर्म है लेकिन कमरा नहीं है? नहीं। क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकते हैं? अगर आप समझ गए हो तो। मतलब ही तो आप नहीं समझे। समझाइए। कमरे में कोई है? ओ, मेरे कमरे में कोई और है। हाँ, अब समझे आप। क्या है कि और कोई दूसरा कमरा हमारे पास नहीं है। और दूसरा कमरा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसलिए आप चाहते हैं कि मेरी बुकिंग कंफर्म होते हुए भी मैं बाहर जंगल में सारी रात भालू के साथ गुजारूं? वो हम ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं हम अपना ये डाइनिंग हॉल आपको दे देना चाहते हैं। ओहो, आप मुझे इतना बड़ा कमरा देंगे? आज की रात आप यहाँ सो जाइए, कल सुबह तक मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त आपके लिए कर दूंगा। अच्छा, आप ये बताइए। हाँ बोलिए। मेरे पास कौन सा कमरा है? है नहीं, था 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 कौन सा था? था था 17 था 17 लेकिन हम नहीं है 17, लेकिन वो नहीं है। हाँ। देखिए देख कहाँ जा रहा है। देखिए देखिए, आप वहाँ मत जाइए, मैं मर जाऊंगा। देखिए सुनिए, आप समझे नहीं? देखिए मत तोड़िए, मत तोड़िए दरवाजा, क्यों तोड़ रहे हैं आप? देखिए वहाँ मत जाइए, मर जाऊंगा मैं। सुनिए, हाय, अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए। देखिए सुनिए, ये क्या उछाल रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? Excuse me. Hello. Excuse me. आप कौन हैं और मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं? आप समझी नहीं। आप समझी नहीं। आप समझाइए। मैं समझाऊंगा मैं। मैंने एक बार आपसे कह दिया कि मैं वो कमरा नहीं छोड़ूंगी। ये बात है? जी हाँ। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, सोऊंगा तो मैं उसी कमरे में सोऊंगा, ये मेरी जिद है। Because कंफर्मेशन मेरे पास है। देखिए, आप दोनों की जिदें पूरी हो सकती हैं। मेरा मतलब है, आप समझे नहीं, वो कमरा जो आप दोनों के दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ है, उसमें एक दरवाजा है। तो उस दरवाजे को कमरे के बीचों बीच रखकर मेरा ख्याल है कि आप दोनों चैन की नींद सो सकते हैं। मैडम, चिटकनी आपकी तरफ है, अपनी सुरक्षा के लिए बंद कर लीजिएगा। मिस्टर, अगर आपको बाथरूम जाना हो तो दरवाजे पर 3 बार नॉक करेगा, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ओए, मैडम, आप जरा लाइट ऑफ कर देंगी? हमें रोशनी में नींद नहीं आती। मैडम, मुझे अंधेरे में सोने की आदत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक को सोना पड़ेगा और दूसरे को? आप जागिए, मैं तो सोती हूँ। उफ, व्हाट अ मीन थिंग यू आर। तुम अपने आप को क्या राजकुमारी समझती हो?
Ha, 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 ha,